कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपको दुख देने वाले का, आपको परेशान करने वाले को उसका कर्मा कैसा मिलेगा। आज क्या करते हैं, क्या आपकी लाइफ में दुख है, तकलीफ़ है, आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो लोग आपको दुखी कर रहे हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं जीवन में प्रॉब्लम सह रहे हैं। उस दुखी करने वाले को उसका कर्मा कभी मिलेगा नहीं मिलेगा, आज की वीडियो में हम यही देखने जा रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रेजोनेट करे, मे बी ना करे। रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए रेजोनेट करती है। तो वीडियो में जो भी चीज़ें आती हैं प्लीज़ उसको सीरियसली, अगर आपसे वो मैच हो रही हैं और कोई गाइडेंस है तो उसकी लाइफ उतना ही अपनी लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, उतना ही उसको लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या, पहले हम आपका टाइम देखेंगे, आपकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, पहले हम आपकी लाइफ को देखेंगे। कभी कभी ना कार्ड उठाते ही एक एनर्जी ऐसी हो जाती है जैसे कि बॉडी हैवी हो गई है, शिवरिंग फील हो रहा है, कुछ नेगेटिव फील हो रहा है। तो आज की रीडिंग कुछ ऐसा ही लग रहा है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सरेंडर की एनर्जी बहुत अच्छी है आपके अंदर, ओवर थिंकिंग। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, मैं फोर कार्ड ही पहले लूंगी। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अगर बात करूँ ना, तो आपके अंदर सरेंडर की एनर्जी बहुत है ना। आप कुदरत पे बहुत भरोसा करते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो इंसान कुदरत पे भरोसा करता है ना, वो अंदर ही अंदर घुटता चला जाता है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी मैंने आपकी यहाँ पर देखी है। आप हमेशा किसी को कुछ कहने के लिए, आप किसी को कुछ भी करने के लिए, आप जो है जीवन में हमेशा ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सुकून से रहें, खुश रहें, आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी ना हो, लेकिन फिर भी कुदरत पता नहीं किस बात की आपसे परीक्षा ले रही है। कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा एक ख़त्म होती है, दूसरी चलने लगती है, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी चलने लगती है, क्योंकि टेन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ज़िंदगी का बहुत सारा सफ़र आपने संघर्ष में ही बिताया है ना। आप जितना चीज़ों को समेटते हैं लोग उतना आपको परेशान करते हैं। आप एक जगह से हटने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ पे नेगेटिविटी ना करूँ, यहाँ पे मेरी लाइफ में कुछ ऐसा ना हो, तो दूसरी जगह से आपको नेगेटिव रिस्पांस मिलना शुरू हो जाता है। कहीं आपको लगता होगा कि कार्मिक चीज़ों की वजह से हो रहा है या नेगेटिविटी किस वजह से हो रही है, आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही होगी कि चीज़ें जो हैं मेरे साथ ही क्यों घट रही है, इसीलिए आप ओवर थिंकिंग करते हैं। आपने आज तक किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, आपने आज तक किसी का गलत नहीं किया, ये मैं श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। एनर्जी कितनी भी हैवी हो लेकिन यहाँ पे मैं आपका फेवर बिल्कुल ओपनली ले सकती हूँ कि आप वो पर्सन हैं ही नहीं जो किसी का बुरा करें या जो किसी के जीवन में गलत करें। आप उन पर्सन में से हैं कि आपको कोई कुछ कह गया ना तो आप कुदरत को सौंप देते हैं कि हे ईश्वर, हे मौला, हे मेरे प्रभु, ये जो भी एनर्जी है, ये जो भी चीज़ें हैं, ये मेरी लाइफ से चली जाएं, मुझे ये लोग अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। आप लोगों का विरोध करने की बजाय आप कुदरत को सरेंडर करना मंजूर समझते हैं। आप लोगों की सोच में फंसने की बजाय आप कुदरत से ये चीज़ मांगते हैं कि ये एनर्जीज़, नेगेटिविटी मेरी लाइफ में ना रहे। आप बचते हैं ऐसी चीज़ों से, है ना। टेन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो आप वो रास्ता बदल देते हैं। कितनी बार आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि आपको ओपनली
है ना, ओपनली वो ब्लेम लगे होंगे जो आपने कभी किए ही नहीं, आपके ऊपर वो बातें आई होंगी जो आपने कभी जीवन में सोची नहीं, आपके ऊपर वो सारी घटनाएं घटी होंगी जो आप अपनी लाइफ में कभी करने का सोच भी नहीं सकते, है ना। किया किसी ने, आप उनकी हेल्प करने गए और वो आप पे आ गया। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग क्या है, पास्ट में जो भी घटनाएं घटी, जिस जिसका आपने दिल जीतने की कोशिश की, जिस जिसके साथ आपने अच्छा करने की कोशिश की, जिस जिसके साथ आपने पॉजिटिव रिस्पॉन्स करने की कोशिश की, उसी ने आपका दिल तोड़ा। जिसको आपने अपना माना, उसी ने आपको कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया रोने के लिए, मजबूर कर दिया। ओवर थिंकिंग इंसान कब करता है, जब वो इंसान अपनी लाइफ में, है ना, सबका भला कर रहा हो और उसको ये रास्ता ना समझ में आए कि मेरा अपमान क्यों हो रहा है, मुझे मान सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने कहा ना, बहुत हैवी एनर्जी है, हार्ट चक्रा ओपन है, कुदरत को सरेंडर किया हुआ है, अपने ऑरा को लॉक किया हुआ है, ना किसी के साथ बुरा करना है, ना बुरा सोचना है, है ना, हमेशा कुदरत के बहाव में बहना है, है ना। किसी दी क्राउन चक्रा खुला हुआ है, हार्ट चक्रा, यानी कि दिल और दिमाग का बिल्कुल 100% बैलेंस है। कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, आपको गलत ठहराए। मैं नहीं मान सकती कि आपके जीवन में, आपके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आप किसी का गलत सोचते हो। जो इंसान स्पिरिचुअल होता है ना, वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकता। आप किसी को गाइड कर रहे हैं और कोई उस चीज़ को गलत ले रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पे, वो है मन ही मन रोना। ओ माय गॉड, देखिए नाइट ऑफ सोर्ड, मैंने कहा ना मेरे आज यहाँ पे मैं कैसे कहूँ, 6 नंबर की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी और 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। सिंपल सी बात यह है कि आपने जिसको भी प्यार किया, आपने जिसको भी अपना माना, है ना, वही कहीं ना कहीं आपको दुख के बादल ले गया। लोगों ने आपकी फीलिंग्स को, कहते हैं ना, नोच नोच के खाना, आपकी फीलिंग्स को समझना ही नहीं। आपने अगर कुदरत को सरेंडर नहीं किया होता ना, अगर आपने कुदरत के सामने ये चीज़ें नहीं रखी होती, तो आज तक आप फिनिश हो गए होते। लोग आपके व्यक्तित्व से जलते हैं, मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि लोग आपकी पर्सनैलिटी से जलते हैं, आपके व्यक्तित्व से जलते हैं, लोग आपकी ऑरा को, है ना, लोग आपके जो प्रति विश्वास है, आपके प्रति जो चीज़ें हैं, लोगों को ये लगता है कि इतना करने के बाद भी आप टूटे क्यों नहीं। लेकिन उनको असलियत ये नहीं पता कि आप अंदर से बहुत टूटे हुए हो, अंदर से आप बहुत रोए हुए हो, अंदर से आपके अंदर जो नेगेटिविटी नहीं कह सकते इसको, लेकिन हाँ इसको एक अकेलापन कह सकते हैं, इसको एक, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं है, एक दुख और गुस्से के बीच में जो एक चीज़ होती है ना, हेल्पलेस होना, वो कहीं ना कहीं मुझे फील हो रहा है कि जब मैं किसी के साथ गलत नहीं करती हूँ या करता हूँ, तो लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो जो असहाय वाली फीलिंग आती है ना कि अब मैं क्या करूँ, है ना, तो इसीलिए हमेशा मुंह छुपा के रोते रहना, हमेशा परेशान करते रहना, उन लोगों का मकसद ही शायद ये है। और कभी कभी ऐसा भी आपको लगता होगा कि क्या मेरे कोई पास्ट के कार्मिक्स हैं, मैं जिसको प्यार देती हूँ, मैं जिसको प्यार देता हूँ, वो कहीं ना कहीं मेरे रास्ते की रुकावट बन जाता है। आपकी तरफ किसी का कभी झुकाव रहा ही नहीं होगा, है ना, किसी का प्यार आपके प्रति नहीं रहा होगा। यहाँ पे आप जो है, आपके अंदर ऐसी एनर्जीज हैं कि आपसे जब तक लिया जाए ना, तब तक ले लो, उसके बाद ठुकरा दो, उसके बाद उनको छोड़ दो। यहाँ पे कुछ लोगों ने तंत्र मंत्र करने की कोशिश की हो सकती है कि आप मेंटली स्टेबल ना रहें, क्योंकि ये 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी कुछ ब्लैक एनर्जी भी दिखा रही है। आप मानसिक रूप से टूट जाएं, आपके विरोधी इस चीज़ में सफल हो जाएं, आपकी मानसिकता ख़राब हो जाए, यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यही कह रही है। आपको रुलाने के पीछे मकसद यही है कि आप मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए, आपका ऑरा कमज़ोर हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि ये जो किंग ऑफ कप और क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है ना, इसको अपनी लाइफ में हमेशा बना के रखिए। कोई दुनिया की ताकत आपको नहीं तोड़ सकती है जब तक आपका साथ ईश्वर है। ये जो इंसान है ना, जो आपको परेशान कर रहा है, यहाँ पे कुछ लोगों के मुझे बहुत क्लोज रिलेशन नज़र आ रहे हैं,
आप लोगों के बारे में बातें बनाना, अफवाह बनाना, कैरेक्टर एनालिसिस करना बहुत ही क्लोज़ इंसान है, बहुत क्लोज़ इंसान है। पॉजिटिव तो होना बहुत दूर की बात, ये इंसान पता नहीं आपकी लाइफ में आया भी क्यों है। अब देख लेते हैं इस इंसान का कर्मा क्या रहने वाला है, इसको क्या। ओके, टेन ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोगों के साथ जो ये घटना घट रही है ना, अभी करंट में घट रही है। अभी भी जो आपके मन के भाव हैं, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके मन के भाव तभी भी कहीं ना कहीं विचलित भाव हैं। कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर की एनर्जी बहुत है, डेथ और रीबर्थ, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। इमोशनल इम्बैलेंस्ड है सब कुछ, है ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, इम्बैलेंस्ड एनर्जी है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे बता दूँ, ये इंसान जो हम कर्मा की बात कर रहे हैं कि इसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अभी ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अभी ये अपनी लाइफ में बहुत हैप्पी है। इसकी लाइफ में किसी भी तरह का अभी तक तो कोई ऐसा मुश्किल दौर नहीं नज़र आ रहा है। अभी तक तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशी से जी रहा है। अब टेन ऑफ कप्स की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, फाइनेंशियली भी वेल ऑफ होगा, इमोशनली भी वेल ऑफ होगा। ये इंसान ना ड्रामेबाज बहुत बड़ा होगा, यानी कि जो लोग सामने कुछ बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ बोलते हैं ना, और एक मिनट में सामने वाले को झूठा बना देते हैं, ये वो वाला इंसान होगा। लेकिन ये नहीं जानता है, नेक्स्ट ही आ रहा है फोर ऑफ कप्स। एक क्वालिटी और होगी इसको दूसरे के दर्द में, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, अगर इसको पता चल जाए ना कि वो इंसान बहुत दुखी है, तो चाहे इनके खुद के हालात कैसे भी हों, ये खुशी से नाचना गाना शुरू कर देते हैं, ये खुशी से झूमना शुरू कर देते हैं। इनके हालात कितने भी कैसे भी गलत क्यों ना हो, लेकिन ये कभी भी इंसान दूसरे की दूसरे का दुख देख के खुश होता है। अब आप ऐसे इंसान को क्या बोलेंगे जो दूसरे के दुख में खुश हो रहा हो, वो इंसान क्या होगा, है ना, क्या होगा उस इंसान की एनर्जी। उस इंसान की एनर्जी पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर इस इंसान को किसी का भी ये पता चल जाए, है ना, कि आप अपनी लाइफ में, आप अपनी दुनिया में बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत आपकी लाइफ में दुख चल रहा है, तकलीफ चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, तो ये इंसान ऐसा है कि आपको जीवन भर अपने दुख को भूल के दूसरे के दुख में खुश होने लग जाएगा। अपने अपनी चीज़ों को भूल के दूसरों की, कहते हैं ना कि दूसरों की बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत हैवी, बहुत हैवी। दूसरों के दुख को खुश, जितना ज़्यादा दूसरा इंसान दुखी होगा उतना ज़्यादा ये नाचता गाता घूमता फिरता खुश रहेगा। अब फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इंसान ये भूल गया कि इंसाफ तो कुदरत को ही करना पड़ता है, यूनिवर्स को ही करना पड़ता है। अभी ये करंटली टेन ऑफ कप्स की एनर्जी में जी रहा है, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल सबसे पहले डाउन होता नज़र आ रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज भी कहीं ना कहीं मुझे डाउन होते नज़र आ रहे हैं इस पर्सन के। और डेथ और रीबर्थ का कार्ड अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हेल्थ इश्यूज बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं। अगर आप ये इंसान अभी ये सोच के खुश है ना कि जो हो रहा है सामने वाले के साथ हो रहा है, आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पे इसकी बहुत बड़ी गलती है। जब कुदरत, कहते हैं ना, ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, आपको दुख दे रहा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये लोग ना जैसे बहुत ज़्यादा शोर शराबा करने वाले, सड़कों पे चिल्लाने वाले, बहुत नेगेटिव होने वाले, ये उस तरह के लोग हैं, है ना। आप सोचते होंगे कि नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इन लोगों को, कुछ लोगों को कहते हैं ना, जैसे कोई शर्म नहीं होती किसी के सामने कुछ भी बोल देना, किसी के सामने नेगेटिव हो जाना, किसी की लाइफ में कुछ भी कर देना, ये उस टाइप के लोग हैं। लेकिन कुदरत की सच्चाई ये नहीं जानते हैं, यूनिवर्स की सच्चाई ये नहीं जानते हैं। नंबर फोर के कार्ड आप देखेंगे, नंबर फोर, और ये भी कहीं डेथ ऑफ रीबर्थ का कार्ड, नंबर फोर का कार्ड है, नंबर फोर की एनर्जी है।
ट्रिपल फोर संघर्ष, ट्रिपल फोर अभी बहुत दुख मिलने बाकी हैं जीवन में। आप किसी के साथ बुरा करोगे और आप ये सोचो कि आप हमेशा खुश रहोगे, पॉसिबल ही नहीं है। किसी के जीवन में दुख का अंधेरा लाओगे, किसी के जीवन में अभी लग रहा है पेज ऑफ वांट्स की एनर्जी है, लेकिन कुदरत कहीं ना कहीं आपके ऑरा से दूर निकलती जा रही है। इस इंसान को ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कुछ इंसान ना भाग्य का लाते हैं और कर्म उनको ख़त्म कर देता है, तो इस इंसान के साथ ना ये जो टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये अपने भाग्य से कुछ लाया था, है ना, इसके भाग्य ने इसको कुछ दिया था, और इसके जो कर्म हैं दूसरों को दुख देना, नाइन ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, टेन ऑफ वांड्स की एनर्जी, है ना, दूसरों को हमेशा एक ऐसी जगह चोट देना जहां उनको इतनी गहरी तकलीफ हो, तो आप ये भूल गया कि ईश्वर अब आपके ऑरा को नेगेटिव कर रहा है। देख रहे हैं ना कितनी दूर चीज़ें भाग रही हैं। अभी भी कुछ लोगों को ना एंड तक नहीं पता चलता कि वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। एक जैसे कहते हैं ना कि कालिदास जिस पेड़ पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, लेकिन उनको ज्ञान हो गया। ऐसे लोगों को कभी ज्ञान नहीं होता है। इनको ये लगता है कि ये जो कर रहे हैं ना वही परफेक्ट है, ये जो कर रहे हैं वही सही है। कोई भी किसी भी तरह की चीज़, कोई भी किसी तरह की बात इनकी समझ में ही नहीं आती है। इनको समझ में सिर्फ क्या आता है, मैं और मैं ही सही हूँ। और अगर ये इतनी सी बात समझ लेना इंसान, तो ये सामने वालों का जीवन भी सरल हो जाए और आपका जीवन भी सरल हो जाए। लेकिन ना तो ये अपना जीवन सरलता से जीना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ षड्यंत्र कर रहा है, उसका कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसके कर्म खराब हो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बिगड़ेगा, है ना। और जिस दिन वो कर्म पे करने पे आएंगे, जिस दिन वो कर्मा सामने आएगा, उस दिन कोई दुनिया की ताकत, कोई भी, खुद भगवान भी, खुद ईश्वर भी उसका बुरा करने से उसको नहीं बचा सकते, क्योंकि भगवान बार 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 कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप के रूप में आके इसको समझा भी रहे होंगे। बहुत लोगों ने इसको समझाया होगा कि ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते, लेकिन इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा होगा। और वो ये इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा कि शायद अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है। जिस दिन भर जाएगा, जिस दिन फूटेगा, उस दिन ठीक है, आप अपने भाग्य का लिखा, आपने अपनी एक एज खो दी, आपने अपनी एक नेगेटिविटी खो दी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम है, बहुत ज़्यादा। इसको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या नेगेटिविटी है। बहुत फूल की एनर्जी, पाप का बड़ा घड़ा भरता है ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। अभी जितना दुख तकलीफ ये आपको दे रहा है ना, उससे 100 गुना ना मिले तो मेरा नाम बदल देना, प्लेफुलनेस, देख रहे हैं ना। क्योंकि मुझे कभी भी प्रकृति के न्याय पे कभी भी डाउट नहीं होता। वक्त पे थोड़ा सा हो जाता है, कई बार मैं भी सोच लेती हूँ कि वक्त जो है क्यों ऐसा कर रहा है किसी के साथ वक्त, लेकिन उसके पीछे भी कोई ना कोई मकसद होता है। कुदरत कुछ भी बिना वजह नहीं करती, कुदरत का कुछ भी आप मान लीजिए बिना वजह नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। ये कार्ड खुद से आया तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। देखिए, मैंने कहा ना ये कार्ड, एक चीज़ बता दूँ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठ जाइए, ये जो कार्ड आए हैं ना, फूल की एनर्जी, सब कुछ है। अगर समारता ये इंसान जो भी है, या संवारती जो भी इंसान आपको दुखी कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ओहदे पे हो सकते थे। आज जहाँ हैं वो इनको इनके भाग्य ने दिया है, चाहे पैसा हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे इनका खुश रहना, वेल ड्रेस्ड रहना, इनको सब कुछ इनके भाग्य से मिला है। इन्होंने कुछ भी मतलब कुछ भी अपना नहीं कमाया है, इन्होंने कुछ भी अपनी अपने कर्म से, इनको आज के जीवन में कुछ भी कर्म से नहीं। और मैं जानती हूँ सब लोग इस बात से सहमत होंगे, जो इंसान अच्छे कर्म करता है ना
वो किसी को दुख देना नहीं जानता, क्योंकि उसको संघर्ष का पता होता है। जिस इंसान को ये पता होता है ना कि संघर्ष क्या चीज़ है, जिस इंसान को ये पता होता है कि किसी के आंसू क्या चीज़ हैं, वो कभी भी किसी को दुख नहीं देता। इट मीन्स इसको जो भी मिला है ये पिछले जन्म से लेके आया है या भाग्य से लेके आया है, और धीरे धीरे ये इंसान अपने भाग्य को ख़त्म करता जा रहा है, धीरे धीरे ये इंसान यूनिवर्स के लिखे को ख़त्म करता जा रहा है, धीरे धीरे ये इंसान उस तरफ बढ़ता जा रहा है जहाँ इसका भाग्य ख़त्म होगा और इसका कर्म शुरू होगा। और कर्म शुरू होगा, इसका क्या होना है? प्लेफुलनेस। इसका होना है 100% ये होना है कि जीवन में सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कितना भी जीवन में आगे बढ़ लीजिए, कितना भी जीवन में पॉजिटिविटी लेके आइए, यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लियर बात बता रही हूँ कि जीवन सरल नहीं रहने वाला है, जीवन बहुत मुश्किल होने वाला है, जीवन में एक भी चीज़ ऐसी पॉजिटिव नहीं होने वाली है जिससे आप ये कह सकें कि आपके सामने आएगा और आप कुदरत के न्याय पे भरोसा करेंगे। ये प्लेफुलनेस, इसके देखिए दर्द का मतलब ये नहीं होता इसका फाइनेंशियल मैटर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनके साथ और भी लोग जुड़े होंगे। अगर उनकी डेस्टिनी में फाइनेंशियल मैटर अच्छा है, उनकी कुंडली में लिखा है कि आपको अच्छा फल मिलेगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी, तो धन ख़त्म नहीं होगा लेकिन इनके वो रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। कुदरत का दुख देने का, दर्द देने का, तकलीफ़ देने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। हो सकता है फिजिकली इनको प्रॉब्लम हो जाए, हो सकता है कोई रिश्ता जो इनका नियर एंड डियर हो वो इनसे दूर हो जाए, तरीका कुछ भी हो सकता है। तरीके पर हम बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं कि हाँ इनके साथ जो भी इन्होंने गलत किया है वो इनको भुगतना पड़ेगा, हर हाल में भुगतना पड़ेगा। वी आर द वर्ल्ड, जैसा करोगे वैसा भुगतोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। देखिए एक बड़ी मशहूर कविता है, उसकी दो लाइनें हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। क्या मतलब है? जब इंसान का बुरा वक्त आ रहा होता है ना तो वो अहंकारी हो जाता है, जब इंसान का बुरा वक्त आ रहा होता है वो दूसरों को कुछ भी समझना बंद कर देता है, दूसरों को इतना ज़्यादा, और सताना नहीं और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा, यानी कि अपनी सारी सीमाएं लांघ देता है। रावण का बुरा वक्त आया था, बहुत समझाया, माता का हरण कर लिया, ठीक है, बहुत समझाया, हनुमान जी भी समझाने गए, छोड़ दीजिए। ठीक सेम कौरवों का बुरा वक्त आया, कृष्ण समझा रहे हैं, सब समझा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सर्वनाश करके ही मानते हैं। तो ये जो आपका शत्रु है ये जब तक अपने आप को नहीं मिटा लेगा ना तब तक नहीं करना छोड़ेगा, ये पक्की बात है। ये जो एनर्जी तब तक नहीं छोड़ेगा ये किसी के साथ, और आपके नहीं, जहाँ जहाँ इसको मौका मिलता होगा ना ये सब लोगों को दबाने की कोशिश करता होगा, सब लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता होगा, जहाँ जहाँ इसको मौका मिलता होगा ये लोगों की भावनाओं से खेलता होगा। तो ऐसे इंसान को आप कैसे सोच रहे हैं? आप इस पर्सन की पर्सनालिटी देखिए, इसने हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, है ना, है तो जोकर ही ना, लेकिन क्या है, अच्छे से ड्रेसअप है, हीरे जवाहरात पहने हुए हैं, साथ में स्टार्स की भी एनर्जी है ना, लेकिन अंदर से दुख है। और यही अंदर का जो दुख होता है ना यही कर्मा होता है। जब हम दुखी होते हैं तो हम रास्ते भर किसी को रोते नहीं घूमते ना, वो दर्द हमारे अंदर छुपा होता है, वो तकलीफ़ हमारे अंदर छुपी होती है। हम दुखी हैं हम हर किसी को नहीं बताते, नहीं बताते ना, कोई इंसान हमारे साथ कितना भी बुरा कर रहा हो हम किसी एक दो को कह देते हैं कि देखो वो इंसान हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो चीज़ हमारी ऐसी हो रही है। हमारे साथ में तो चीज़ें ऐसी नहीं हो रही ना, हमें कोई बुरा भला बोल के जा रहा है, हमारे साथ कोई नेगेटिविटी कर रहा है, हम उसके साथ सेम नहीं कर रहे ना, तो सेम इनके साथ है। जब इनके साथ बुरा होगा और ये अपने ही कर्म के जाल में उलझेंगे, सुप्रेशन, कल ये किसी को अगर कहेंगे ना कि मैं अच्छा हूँ मैं भला हूँ, या मैंने तो अपने, जब देखिए इंसान को दर्द होता है तो वो भी अपनी तकलीफें बताता है ना कि मेरे साथ ये हो रहा है ये हो रहा है, अभी इनको एहसास नहीं है। इनको जब ये होगा और जब ये लोगों को बताएंगे कि मैं, मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है या मेरे साथ ये तकलीफ़ है या मैं ये चीज़ें झेल रहा हूँ, तब इनको ये समझ में आएगा, तब लोग इनको कहेंगे। इनकी उलझनों को सुलझाने वाला कोई नहीं होगा। एहसास होना एक इंसानियत की निशानी है,
और एहसास ना होना दुष्टता की निशानी है। हो सकता है उस टाइम पे भी एहसास ना हो, उस टाइम पे भी ये लगे कि सब इनके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि सबने आपने इनके सबके साथ गलत किया है, तो ये एहसास इनको हो ना हो, लेकिन कुदरत इनको जिस उलझन में ये दूसरों को डाल रहे हैं, जिस उलझन में ये दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, ये यहाँ पे इन्हीं के लिए, ये यहाँ पे वो सारे उलझने, वो सारी बेड़ियाँ इनकी लाइफ में पलट के वापस आनी है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जिसने जितना दुख देना है, जिसने जितना तनाव देना है, उसका हिसाब ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। आज की एनर्जी तो आप देखिए ना कि आपकी एनर्जी में तो फिर भी आप सरेंडर हैं, इनकी एनर्जी में तो कुछ भी नहीं है, कोई सरेंडर नहीं है। ये दिखावा करना लोगों के प्रति, ये आपकी मुझे टोटैलिटी है। फ्लावरिंग, गॉड ब्लेस यू, अबंडेंस, भगवान ईश्वर आपके साथ ऐसा ही बना रहे। इनोसेंस, अगर मैं सुप्रेशन की बात करूं और उसके बाद टोटैलिटी की बात करूं, आज जो आपके साथ हो रहा है ना, आप कुछ भी करते हैं हमेशा एक कदम दूर रह जाते हैं, आप कुछ भी करते हैं आप हमेशा चीज़ों से पीछे रह जाते हैं, है ना। आप कुछ भी करते हैं आप उस तरह से जीवन को नहीं जी पाते हैं, है ना। आप हमेशा अपनी खुशी से एक दूर रहते हैं ड्यू टू दिस पर्सन। ये आपका पड़ोसी है, ये आपका नियर एंड डियर है, आपका फ्रेंड है, ऐसा क्या इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में इसका, जो ये बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा है चीज़ों को, ये कर ही नहीं पा रहा है चीज़ों को, क्या क्या इशू है मुझे समझ नहीं आ रहा है। फ्लावरिंग की एनर्जी है, लेकिन आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, आपके लिए अबंडेंस। आप जो हैं ना, देखिए जो ये मैं आपको पहला कार्ड दिखाती हूँ, आप ये हैं, है ना। तो किंग ऑफ कप्स की जो आपकी एनर्जी है ना, हार्ट चक्रा ओपन रखना, ठीक है। दूसरा, मैं ओवर थिंकिंग और इसको भी मैच करना चाहूँगी एक बार, बस आप ये तीन कार्ड देख लीजिए, ये एक्चुअल में आप हैं, है ना। यहाँ पे वही चीज़ निकल के आई है कि फ्लावरिंग की एनर्जी जो आप हैं ना, उसका आपको मिलेगा, 100% मिलेगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। दूसरी एनर्जी है इनोसेंस की, आप अपनी लाइफ में, लोग कहते हैं ना कि चालाक बनो, है ना, तो आपको मिलेगा, मैं कहती हूँ इनोसेंस बनो, परमात्मा के प्रति डिवोटी बनो, आपको सब कुछ मिलेगा। बट देखिए, जो मैं इसको ऐसे समझाती हूँ, एक परिवार में दो बच्चे हैं, एक झगड़ा करके पेरेंट्स से सब कुछ ले लेता है और दूसरा मासूम है, वो कई बार हो सकता है बहुत सारी चीज़ों से चूक जाए, पेरेंट्स डर के उसको दे देते हों, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, तब ईश्वर या पेरेंट्स या जो भी है उसी को सबसे ज़्यादा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा भोला है, इसने कभी कुछ गलत नहीं किया अपनी लाइफ में, इसने कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। उसकी तरफ अचानक ही जो बच्चा एक लेवल तक ज़िद करके दबा सकता है किसी को, एक लेवल तक ज़िद करके गुस्सा करके चीज़ें ले सकता है, लेकिन एक लेवल के बाद क्या होता है, पेरेंट्स ऑटोमेटिकली उसकी तरफ डिवोटी हो जाते हैं, डिवोटी ही कहूँगी मैं उसके प्रति, जो प्रार्थना है उसके प्रति, जो सोचने का नज़रिया है उसके प्रति, जो करुणा है, दया है, भाव है, प्रेम है, जो भी पेरेंट्स के वश में होता है, सिर्फ फिर उस बच्चे की तरफ हो जाता है जो इनोसेंस है। यहाँ पे सेम परमात्मा का खेल है, अभी जो कोई खेल खेल रहा है, जो कोई नेगेटिव कर रहा है, जो कोई ऐसे चक्र चला रहा है, अभी आपको लग रहा है कि सब कुछ गलत हो रहा है, अभी आपको लग रहा है सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि परमात्मा आपको साइड बाई साइड दे रहा है और हमेशा देगा भी, हमेशा देगा, कभी भी आपकी लाइफ में नेगेटिव नहीं होने देगा। आप बस उस पर भरोसा रखिए, आप जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ चल रहे हैं चलते रहिए, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ चल रहे हैं चलते रहिए। अपनी मासूमियत को नहीं खोना है, इनोसेंस को नहीं खोना है, अपनी प्योरिटी को नहीं खोना है। जब आप अपनी प्योरिटी को नहीं खोएंगे ना, तो कुदरत आप पर हमेशा मेहरबान रहेगी। आपके शत्रु को क्या करना है वो अपने आप डिसाइड करके बैठी है, ऐसा नहीं है कि वो डिसाइड नहीं करके बैठी, बस वक्त का खेल है। उसके जो भाग्य का लिखा वो लेके आया है ना, वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस दिन भाग्य का लिखा ख़त्म हो गया,
हाँ, उस दिन ये सुपरेशन की एनर्जी भी आ जाएगी, प्लेफुलनेस भी आ जाएगा और फूल की एनर्जी भी आ जाएगी। डेथ और रीबर्थ का कार्ड भी उसी के लिए है, एक नई शुरुआत होगी। और नई शुरुआत क्या होगी? उलझनों भरी, दुख भरी, दर्द भरी, तकलीफ भरी। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ अपनी इनोसेंस को बना के रखना है। आपको अपनी जो आपकी चीज़ें छूट रही हैं ना इस इंसान की वजह से, उसको कुदरत पे छोड़ दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें हो सकता है आपको उतना लाभ ना दे पाती हूँ, और ये माध्यम बन गया इंसान। हम कई बार नेगेटिव चीज़ों को बहुत डीपली ले जाते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये अश्योर करूँगी कि जो आपको नहीं मिला ना, उससे बेस्ट आपको मिलेगा। दिल टूटा है, लोगों ने आपके बारे में अफवाहें उड़ाई हैं, लोगों ने आपके बारे में गलत किया है, 100% एग्रीड। आपका दर्द जो है 100% एग्रीड। लेकिन फिर कहूँगी कि उस शक्ति पे भरोसा रखिए, उस परमात्मा पे भरोसा रखिए, वो कभी आपके साथ गलत नहीं होने देगा, कभी आपके साथ गलत नहीं करेगा। फ्लावरिंग की एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी है ना, इस एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए। अपनी मासूमियत को बरकरार रखिए, किसी दुष्ट के स्वभाव से अपने स्वभाव में दुष्टता मत लाइए। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट। खुश रहिए अपनी लाइफ में। गॉड ब्लेस यू।